हमारा कंबाइंड एफर्ट यही इंश्योर करना है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। कोविड 19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयरनेस पर स्टेट के साथ काम कर रही है। हमारा मेजर फोकस है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाएं, डेडिकेटेड कोविड ब्लॉक्स बनाएं और साथ ही आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स और जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स है उसके लिए तैयार करें। मिनिस्ट्री ने कोविड को के रेस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट के लिए स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हैं। आज माननीय सिविल एविएशन मंत्री जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में सैंपल्स की टेस्टिंग किट्स को जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है उसके लिए भी रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि में ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि कंट्री में बोथ इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल आइटम्स अवेलेबल रहें। हम ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि लॉकडाउन में पेशेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके तहत ही आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया है कि CGHS में जो हमारे क्रोनिक पेशेंट्स हैं उनको 3 महीने की दवा एक साथ इशू की जाए और पेशेंट को खुद ना जाना पड़े, खासकर वो पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट हैं, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर भी दवाइयां ले सकते हैं। सभी राज्यों में जो नोडल अधिकारी हमने लगाए हैं इससे पहले, उन सब से भी आज सेक्रेटरी हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिटेल्ड लॉकडाउन और हेल्थ प्रिपेयरनेस के ऊपर एक चर्चा करेंगे। हमने इसके साथ ही, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, कि एम्स दिल्ली के साथ मिलकर हम नेशन वाइड ऑनलाइन पद्धति को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके तहत ही डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग भी अगले 5-7 दिनों में एम्स द्वारा पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स के बारे में उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। इसी के तहत आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एम्स दिल्ली में एक COVID-19 से रिलेटेड 24/7 राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र उसका उद्घाटन किया है। इस केंद्र के द्वारा हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं उनको एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, स्काइप और व्हाट्सएप, अन्य डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं इनके थ्रू वो क्लिनिकल गाइडेंस इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही आज COVID-19 के संबंधित जो भी हमारी परचेजेज हैं ताकि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसमें भी एक स्पेसिफिक पेज अलॉट किया गया है, स्पेसिफिक एरिया अलॉट किया गया है जिसमें कोविड से संबंधित सभी जितने भी आइटम्स हैं उनको मेंशन किया गया है ताकि स्टेट्स उसको उन डिफाइंड रेट्स पर उन वेंडर्स से फैसिलिटेट करते उनको खरीद सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा मुख्य फोकस इस समय कोविड को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयरनेस और साथ में लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने में है। मैं फिर आपके थ्रू कम्युनिटी में सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये हम सब की मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें आप हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद।